Genau, lau. पानी जरा सेट। तनूर तो मैं शौक गर्मी है तनूर ले सूं तंदूर इतना ही ले सूं चाहे थे ना हैं मैं आप सहेली को कैसा पढ़ा रही हूँ तेरी सहेली केड़ी है अच्छा तेरी सहेली भी है मेरी दावे तो कोई सहेली नहीं बड़ी को बक्ता और तेरे को सने नहीं आती तेरी सहेली आई कड़ी है बक्तावर मेरे तेरे ना आ गये मैं को भैया तेरी सहेली है वाले सामान वही सिंह पड़िया ने वो ब्रेंडी मिट्टी दे मतलब ये वार हाँ वार है लेकिन वार नहीं है पकड़ी क्यों नहीं पिछले साल मैं ते को आके रखे मैं क्या बाप क्या ही है चल बना बना अंधारा थी वैसी वाल रस्ते जगी नहीं इतना ही कितने रांधी है या कितने भाई जा रांधी है अस्सलाम वालेकुम जी फिजा फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुशामदीद है आज हम ये मट्टी का चूल्हा बना रहे हैं जो जिसपे हम लोग जैसी चीजें बनाया करेंगे अब अक्सर आप लोग मुझे यही छत पे देखेंगे ये मेरे घर की छत है और हम लोग ये मट्टी का चूल्हा बना रहे हैं जहाँ पे मैं कुछ चीजें बनाऊंगी ये मेरे घर की छत है अजाने बहुत सारी अजाने होनी है पहले हमने अजान सुन ली है फिर ये ब्लॉग शुरू किया है तो आज आप देखें कि ये हम किस तरीके से ये चूल्हा बना रहे हैं ज़्यादा नहीं बराबर टाइम सुबह तक आज राई बराबर वाले कर दी तब उसकी पहले ले साथ वाले वाले साथ तो लो लो नौसी तो सेर ले पागल ना नौसी तो थोड़ी सी साइड देती हूँ इधर बंद कर दो जाने के लिए जाने देखो ना पूरे मुख में लगाने के लिए बन रहा है इधर से आओ इधर से देखो ये कैसे बन रहा है कैसे उसकी मट्टी थोड़ी ना थी सी सिक्की हुई सी पूरी हैं हाँ हाँ वो क्या ना सा ठीक नहीं वो मिल दे तू आदि ना पे कुछ सही आ लाऊं चाहूं दे सही आ गया वो सही आ गया ना वो सही आ नहीं नहीं वो तवा के ना से ना उतना ठीक थी वैसी तवा हो अच्छा ओ पास है जिक ऊंचा है ये पास है जिक्का भी चुप कर बाओ मासी हमारी कह रही है चुप करके बैठो मुझे बनाने दो काम हाँ जिक्का ऊंचा ये बात बराबर मिट गई सी दसामक से ही ऊंचा है जिक्का है हाँ ना दसामे हूँ मेरे को दसामे ऐसा ना अच्छा और मिट्टी बराबर है ये देखें ये मिस्त्रियों से भी ज्यादा अच्छा काम हो रहा है सफाई से ये हाथ हमारे जो हैं वो क्या हैं इसको क्या कहते हैं उसको सराकी में क्या कहते हैं उसको गड़माला 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 आ गया ना पसराकी अच्छा
कोई छोटे मोटे लकड़ी बाना में गुटका बिच बा बालूआ ते ओ जाना एक सुका हुआ जरा चूल्हे को जरा वो जड़ी कढ़ाई के नहीं है जो मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ बर्तन मट्टी वाली कढ़ाई के नहीं है मैं कल हाँ मिट्टी वाली कढ़ाई सही है कढ़ाई के नहीं है 3000 दी मिली सीधा बगैर शीशे ते ढक्कन वाली इवें सिंपल उसमें हलवा बनाएंगे पहले हलवा गाजर का या कौन सा हलवा नहीं हवला बनाते हैं मुद्र का अच्छा बना भी है ना कुन्नी वाला हवला हलवा जरा इंदे बनाया आई कल साग इंदे पके सा आवे सी पूरा थी वे सी एक कुन्नी है देखे हाँ बड़ी सारी जब बड़ी गिना ये बड़ी महंगी मिली है महंगाई हो जो कमर हाँ। तोड़े और कर जरा पिछा देर बने दी पी ए तगा कर दिला ए थी एक कुन्नी चाह दे रही मुझसे नहीं उठाई जा रही बहुत हसनी है यार एडिट है भी इतना ही ठीक है ये हम इस देखते का साइज कर रहे हैं इधर इधर दिखा इस देखते की साइज की बना रहे हैं ये चूल्हा इसके साइज का क्योंकि हमने इसमें साग बनाने हैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे साग बनता है सरसों का साग और गन्ना किसकी मकई की रोटी ए बड़ा है और छोटा है ये अच्छा बने वो गंदा ए वाले एक ब्लू लाइट आएंगे पेश कर वैसे ये इसको देख जी को पूछो ना ये किस लिए होते हैं ये देख जी को काबू करने के लिए मतलब इधर उधर गिरने देने के लिए स्पोर्ट हाँ ये स्पोर्ट होते हैं ये बनते हैं अब जो है वो सीधा ऐसे रखेंगे अगर रखा इसको देख चुको तो उल्टी हो जाएगी वो गिरने का खतरा होता है तो ये स्पोर्ट के लिए होते हैं तो जब भी आप ये मिट्टी का चूल्हा बनाएं तो इस तरह स्पोर्ट के लिए ये इस तरह की लाजमी बनाएं ताकि वो जो हम कढ़ाई देख चीज जो भी जिसमें पकाए खाना तो वो गिरे ना ये छोटा है ये छोटा है हाँ ये बड़ा है सही है सही है
थोड़ी थोड़ी तू ला मिट्टी, थोड़ी थोड़ी गुला जरा उको भी ला। ये पूरा क्लियर नजर आया ना कमल। अब हमारी मिट्टी खत्म हो गई है, जो बाकी का काम है वो कल हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा इसको सेट करके फिर कल और मिट्टी आएगी। ये खत्म हो गई अभी। जड़ी मट्टी पे ला छोड़ सारी। पिछू वाला ज्यादा ऊंचा ना हो, बराबर हो से। लेकिन पिछू वाला ना थोड़ा छोटा रखेंगे। मोहम्मद यादव सो गया है। वो ऊपर होता ना देखता, वो कहता मासी इधर हाट मैं बनाऊ। तो ये देखे हम इसकी नाप कर रहे हैं। सीधा सीधा रखो इसको, ऊपर जोर नहीं देना, बस ये करने के भाई ऐसे, क्योंकि गीली मिट्टी है ना, फिर वो जो है मतलब। ये देखें अब हम कोयले इसमें डाल के चूल्हे को सुखा रहे हैं। ये गीला है तो हम ठंड भी है, हम ने सोचा कि भाई इसको ये कोयले डाल के अभी इसको थोड़ा सा हम आग जला लें। ये फिजा फूड सीक्रेट्स के कारनामे। शॉपर और ले आओ ना प्लास्टिक के। देखो शॉपर भाई देखो, इतने पर देखो जहाँ पर हैं। मोहम्मद हैदर को भी ले आ। ये देखो कैसे चलते हैं, ये जल जाएंगे सारे शॉपर, क्योंकि ये शॉपर जो होता है ना वो चिपक जाता है उसको कोयलों को, तो इससे फिर आग जलती है। ये देखें जी हमारे काना में फिजा शॉपर वाली, फिजा शॉपर वाली। हाँ तो शॉपर से आग जलेगी ना, ये कोयले जलेंगे। जो सर्दी हमें लग रही है हम इंजॉय करेंगे अभी। देख ये बस अब मैं अपने हाथों का थोड़ा ख्याल रखती हूँ। ये देखो इधर भी लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो सारा ये ये देखो जी फिजा फूड सीक्रेट्स के कारनामे। आखिर आग जला ही ली मैंने, ये देखें। अभी हम इसको जला के और पूरा जो चूल्हा बनाया हमने मिट्टी का, इसको अच्छे से सुखा के फिर जाएंगे। ये सारी मेरे छत है, ये देखें लाइट थोड़ी सी है और
कुछ जगह पे है और कुछ जगह पे नहीं है। ये पूरी छत दिखाओ, हाँ जी। तो ये देखिए हमारी आग भी जल चुकी है। ये अब मैंने अपने बचपन की यादें ताजा की हैं। बचपन में हम लोग ऐसे आग जलाते थे और बैठते थे, सर्दी में एंजॉय करते थे इस बोन फायर पे। तो वो जो है ये अब आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी रात हो गई, अंधेरा हो गया है। तो ये इसी तरह जलता रहेगा, जैसे ये सारा लकड़ी वगैरह जल जाएगी फिर हम चले जाएंगे इसको ढक के। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।